गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई साहब, आज 22 जनवरी, जिस पल का हम सबको इंतजार था, जिस पल का, क्योंकि आज श्री राम जी का अयोध्या में आगमन, जो कि 500 सालों बाद है। 500 सालों बाद राम जी ने तो 14 साल का वनवास किया था, बट हमने 500 साल का किया है। और उसके बाद आज 22 जनवरी में आज आने वाले हैं वापस अयोध्या में राम जी। तो उसके लिए बहुत बड़ा, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। तो आज भी हम लोग के यहाँ पे कुछ वैसा ही होने वाला है। पहले सुबह तो पालकी निकलेगी, फिर उसके बाद अपन शाम को होगा दिवाली, फटाके बिटाके बहुत सारे पटाखे लाए हम लोगों ने, तो वो भी फोड़ेंगे फटाके और मिलेंगे आज पूरे ब्लॉग में। आज तो फिलहाल ऐसे ही रेडी हो गया, आज जल्दी उठ गया सुबह, आज नींद ही नहीं लगा भाई। तो आज का ब्लॉग उसी सिलसिले में एकदम स्पेशल होने वाला है, पूरा दिखा दूंगा। कल रात को हम लोग फुल रंगोली विंगोली ये वो फुल रोड सजा दिया है, और हमारे गांव का सप्ताह भी है, तो इसके लिए और सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि हर साल 3 दिन का रहता है, ये साल फर्स्ट डे ही आज वो 22 तारीख को आ गया है। और राम जी का अभी ये भी है, पालखी भी है सुबह का, तो 9 बजे का है, बट अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ। कुर्ता बिर्ता वेयर करने वाले, सब ट्रेडिशनल डालने वाले, तो अपन भी ट्रेडिशनल डालने वाले। चप्पल दिया है सिलाने, क्योंकि टूट गया था, क्योंकि ट्रेडिशनल पे ट्रेडिशनल चप्पल ही पहनेंगे, वो टूट गया था, बट चप्पल का इतना कुछ महत्व नहीं है। आज का जो स्पेशल है वो कुछ अलग ही है, और मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये जनरेशन है कि जिसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी है इंडिया में, कि अयोध्या का राम मंदिर, फिर और ऐसे बहुत कुछ हुए है अच्छी अच्छी चीजें इंडिया में, कि ऐसा लगता है कि अपने पिछले लोगों ने जो देखा नहीं था वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आज स्पेशल दिन है एकदम। तो आज का पूरा ब्लॉग ऐसे ही बनेगा, हमें मम्मी हमारी रेडी नहीं हुई अभी तक है। ए मम्मी, यूट्यूब वीडियो कहते थे ना, तू सब। अभी हम लोग के यहाँ पे पालकी मस्त एकदम, अभी जा रहा हूँ पालकी के लिए। देखो, ट्रेडिशनल वेयर सबका एक थीम रखा था हम लोगों ने, सब ट्रेडिशनल वेयर करेंगे, तो मैंने इस प्रकार कुछ ट्रेडिशनल पहन लिया है। अंदर मम्मी का भी पूजा पाठ चालू है, मम्मी एकदम सब आज बना रहे हैं अपना मंदिर मंदिर एकदम पूरा प्रॉपरली साफ सफाई करके। राम जी का एक फोटो आया उधर से अयोध्या से, उसका एक भी पूजा हुई आज घर में। तो और रंगोली बिंगोली एकदम पूरे चालू में, रंगोली बिंगोली निकाला है हम लोगों के, और कोई कोई लोगों ने तो लाइटिंग भी किया है, बट लाइटिंग का शाम को दिखा दूंगा। अभी चाली का व्यू दिखा देता हूँ हमारे, जो कि अभी चालू है, कोई कोई कर रहा है, मस्त रंगोली निकल रहा है, कोई हम लोग के घर के बाहर भी रंगोली निकलने का, तो कोई देख नहीं रहा है, बट उसको रंगोली निकलने बोल दूंगा। और ये शोभा यात्रा सब, कोई राम बनाए, लक्ष्मण बनाए, अरे चला मन यार, आज ये नहीं चलेगा, जय श्री राम चलेगा। कलर व कलर। सो भाई, हमारा रैली अभी पूरे गांव से निकल चुका है, और ये हम लोग चल रहे थे मस्त, बात करने नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत भीड़ था, आवाज भी था गानों का। और ये देखो रैली कितना बड़ा है भाई, 600-700 लोग तो थे। Oh,
ऊपर माइक पर ज्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय पूरे गांव में रैली घूमने के बाद फिर से हनुमान मंदिर में आ गई है। और अभी यहाँ पे एक लास्ट डांस हुआ उसके बाद, और ये मंडप इसके लिए डाला है कि हमारे गांव में सप्ताह भी है तो उसके लिए मंडप डाला है। और 22 जनवरी का ये भी हो गया, दोनों भी हो गए मस्त एकदम प्रॉपर। सो भाई आज रैली बिल्ली को जाके आए मस्त हमारे गांव में, पूरे गांव का एक चक्कर लगाया रैली में, उसके कुछ क्लिप्स निकाले मेरे, 2-3 मिनट्स के वीडियो है, मस्त डांस विंस किया, डीजे वीजे लगाया था। अभी रैली होके आई, जैसे कि मोदी जी ने बताया था कि आज दिवाली मनाई जाएगी। रैली के बाद शाम को अभी आतिशबाजी मतलब फटाखे फोड़ने वाले, दिवाली मनाएंगे जैसे कि मोदी जी बोले थे, तो उस प्रकार अभी जाने वाले हैं वहाँ पे, तो अभी तो निकलेंगे। और हमारे इधर दीक्षा से वीडियो करते हैं, बोलना चाहे सा हिस्सा भी देखो हमारे चालू में, पूरा रंगोली और पंती विनती एकदम दिवाली जैसा माहौल हो गया, बोले एकदम कड़क दिख रहा है। मैं फुल एकदम बेस्ट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो एकदम दिवाली जैसा वाइब आ रहा है और बेस्ट। और यहाँ पे पूरा मंदिर तक इधर पंती किसी ने लाइटिंग किया है भाई, ये देखो फुल एकदम पंती विनती लगा के एकदम सजा दिया है चाल को, तो रंगोली भी निकला है, पूरे पूरे गांव में निकला है। और राम आज का भाई भी कुछ अलग था भाई, ऐसा मजा आ रहा था ना, एकदम गुजबम्स आ रहा था भाई साहब। आदेशबाजी के लिए इतना सब ये किया है, अब शुरू हो गया हमारा ये जय श्री राम। चला अजून एक लावा, गाडी पेट्रोल, जय श्री राम। चले लाव लाव लाव, I'm going to go to the next one.
कीर्तन भी था शाम को, बट आज शाम को 8:30 बजे जो पटाखे फोड़े भाई, जो दिवाली मनाई हमने, क्योंकि हम लोग के एरिया जहाँ से जब से गाँव स्टार्ट होता है वहाँ से हनुमान मंदिर तक पूरा फटाखों से फटाखे फटाखे, मैंने क्लिप्स निकाली है वो डाल दूंगा इस पर, कुछ क्लिप्स निकाली है सिर्फ क्योंकि इतना आवाज़ था, इतना आवाज़ था कि बोलना पॉसिबल ही नहीं था उधर, बट क्लिप्स निकाल के रखी है मैंने बहुत सारी ऊपर वाले शॉर्ट्स के। जब से का जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से हमारे हनुमान मंदिर तक पूरा एक लड लगाया था हम लोगों ने, वो कंटिन्यू जल रहा था आधा 40 मिनट तक, तो उसको पूरा तो वीडियो नहीं डाल सकता बट वो फास्ट करके डाल दूंगा। और अभी हम लोग का कीर्तन था वो महाराज जी, जो कि हम लोग को सिर्फ आधा ही पता है, उन्होंने बताया कि 75 वॉर्स 75 युद्ध मीन्स 75 वॉर्स लड़े गए राम मंदिर बनाने के लिए। तो हम बहुत लक्की है हमारी जनरेशन कि जिसने ये भी देखा है राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बन गया, ये दोनों चीज़ें राम मंदिर बन रहा है, ये तीनों चीज़ें जिसने देखी, मतलब हम हमारी जनरेशन जो कि बहुत लकी है क्योंकि हमारे जनरेशन ने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो कि हमारे लिए बहुत ऐसी ये फायदेमंद, क्योंकि अपना राम मंदिर का जो जिसने जिसने बलिदान दिया था उनका सार तो गया बलिदान, हम तभी थे भी नहीं बट 500 वर्ष का वनवास आज पूरा हो गया है और अभी तो बहुत बाकी है बट अभी अयोध्या जाना बाकी है हम लोग का, अयोध्या भी जाएंगे बहुत जल्दी, बट जो हमारे गांव में हम लोग ने सेलिब्रेट किया है आज उसका कुछ अलग ही मजा है भाई, अलग ही मजा नहीं और कुछ गूज़बम्प्स जैसा हो रहा था, एकदम ऐसा फील था अलग सा।
देना। चलो गाइस आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। ये घूमने जा रहे तभी ब्लॉग बनाऊंगा शायद से, या कल घर पे रहूंगा ब्लॉग बना दूंगा पूरा। बस सुबह से आज रैली निकाली थी, फिर उसके बाद फिर काम पे गया, फिर उसके बाद वापस से शाम को आया, जो वजन वजन करने आने वाले थे उनको हमारे चालू में खाना था, उनको खाना खिलाया, फिर उसके बाद फटाके फोड़ने गए, फिर उसके बाद वापस कीर्तन, जो कीर्तन के बीच कुछ क्लिप्स निकाले जो अयोध्या के बारे में बाबा जी मतलब वो कीर्तनकर थे उन्होंने बताया, वो भी बहुत कुछ मतलब हम लोग को जो नहीं पता था वो पता चल गया, और हम अपने आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं। इसके लिए इसके लिए अभी तो फिलहाल राम मंदिर है, और ऐसी बहुत चीज़ें जो हम लोग को पता नहीं है, जो हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने धर्म का बहुत कम ये हो गया। अभी का आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं गाइस, गुड नाइट, बाय।